शास्त्री कमीशन पोस्ट कोड 813 के परिणाम हिमाचल कर्मचारी आयोग द्वारा 7 माह पहले ही घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन 7 माह बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार को जल्द नियुक्तियां देने की मांग की। आचार्य हीरा शर्मा ने कहा कि शास्त्री कमीशन पोस्ट कोड 813 का परिणाम मिल निकले 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। पहले ही इसका परिणाम 1 साल बाद निकाला गया और अब नियुक्ति में 7 महीने बीत गए हैं। ऐसे में शास्त्री कमीशन पोस्ट कोड 813 के अभ्यर्थी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में है और अब 7 जुलाई को सुनवाई है, जिसमें सरकार को अपना पक्ष रखना है। शास्त्री कमीशन पोस्ट कोड 813 के कुछ अभ्यर्थी ने RNP नियम को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है और RNP नियम को गलत बताया है, लेकिन इसमें सरकार से जवाब तलब किया गया है। अब 7 जुलाई वाली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखे और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं ताकि जो 7 महीने से नियुक्तियां नहीं हुई हैं वह इसी महीने में हों। यदि नियुक्तियां जल्दी नहीं हुई तो शास्त्री कमीशन पोस्ट कोड 813 के अभ्यर्थी आने वाले समय में सड़कों पर उतर कर उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। हम ये चाहते हैं, जो हमारा जो मुद्दा है, हम चाहते हैं जो हमारी 7 महीनों से पहले तो क्या हुआ, 1 साल के बाद अंतिम परिणाम आया और 7 महीनों के बाद भी हमें नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है, तो हम चाहते हैं हमें यथाशीघ्र नियुक्ति मिले, क्योंकि हम परिवार सहित जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और बार बार जो है दर बदर भटक रहे हैं। और जो ये मुद्दा है, जैसे कोर्ट में स्टे लगा है, स्टे का जो ग्राउंड उन्होंने, जो बेरोजगार हमारे साथ ही गए थे जिनको बाद में ध्यान आया कि RNP नियम गलत है, तो जब उनके द्वारा कोर्ट में गए और स्टे लगा, तो ये जो है सरकार के अगेंस्ट लगाया गया है RNP नियमों को चैलेंज करके, क्योंकि जब RNP नियम बने वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाए हैं, पहले से बने कमेटी के द्वारा बनाए जाते हैं, शिक्षा विभाग बैठता है, जो भी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, ये उनको ध्यान में होना चाहिए जो कोर्ट में गए। और हम चाहते हैं जो ऐसे व्यक्ति है जिनको बाद में ध्यान आया, पहले ध्यान नहीं आया, परीक्षा में भाग लिया, आवेदन पत्र किया और बाद में जब रिजल्ट आया अपने जो BA head का उनको 1 नंबर मिला, उसको प्राप्त करके भी जो बनी पात्रता सिद्ध नहीं कर पाए, तो बाद में कोर्ट जाते अपने स्वार्थवश, और बाकी जो 582 लटके हुए उनके कारण लटके हुए, क्योंकि केस हम पर नहीं है, ये तो सरकार के अगेंस्ट किया गया है। तो इस पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है, क्योंकि वही ये कर सकते हैं, उनको ही, क्योंकि उनके अगेंस्ट है तो उनको ही कदम ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि हमारी नियुक्ति जो है यथाशीघ्र हो। अभी 7 तारीख को हमारी कोर्ट में हियरिंग है, हम चाहते हैं उसी दिन सरकार के जो अधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, वो हमारा पक्ष जो है मजबूती से रखे, क्योंकि कोर्ट ने जो है सरकार से एफिडेविट मांगा है, आप कब से आगे बिहेड नियमों में संशोधन कर रहे हैं और कब कैसे इनको भर्तियाँ दे रहे हैं, नियुक्तियाँ देंगे स्कूलों में। तो वैसे तो हमारा अगला कदम ऐसा प्रदर्शन का, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, परंतु हमें विश्वास है हिमाचल प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, अब इस यथाशीघ्र जो है हमें नियुक्ति दिलाएंगे और कोर्ट में जो है मजबूती से हमारा पक्ष सरकार के माध्यम से रखा जाएगा। वर्तमान में कितने पद खाली है? वर्तमान में 763 के आसपास लगभग पद खाली है। हाँ जी, आज से पहले जो है BA कंपलसरी, और जो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, और केवल कोर्ट को गुमराह नहीं किया जा रहा है, और जो 582 अभ्यर्थी और स्कूलों में जो लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके जो भविष्य पर आंच आ रही है, उन लोगों के कारण आई है, जो ऐसे कोर्ट में जाते हैं गुमराह करते हैं, उन पर भी जो है इस मामले को भी संज्ञान में लेना चाहिए, ऐसे हम माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना करते हैं, साग्रह निवेदन है, और हम हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर जी से भी सादर निवेदन करते हैं, इस मामले को यथाशीघ्र संज्ञान में ले। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।